क्या बना रहे हैं? अभी तो फिलहाल केवल घर बना रहे हैं। घर बसा रहे हैं पहले घर बना रहे हैं, बसा तो वो खुद ही रहे हैं। और एक चीज काफी कॉमन है जो हम बोलते हैं क्लाइंट को कि घर बनाना हो या बसाना हो, सोच समझ कर अच्छे से प्लानिंग करके करो, क्योंकि ये जो चीजें दोबारा नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत तकलीफ होता है। चलो, तो घर ये बना रहे हैं, बसाना आपका काम है, बनवा लीजिए पहले, बताइएगा उसके बाद। सबसे पहला हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बेसिक अंतर बताइए, लोग पहले ठेकेदार से घर बनवाते थे, अब लोग इंजीनियर हायर कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए ऐसा और क्या अंतर दिखता है दोनों? बेसिक अंतर इसका सेम वही है कि आप किसी केमिस्ट से अपना इलाज करवा लीजिए या फिर प्रॉपर एक डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। यही अंतर है कि कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाइए या फिर किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से डिजाइन करके घर बनवाइए। अंतर तीन चार पैरामीटर में आएगा। सबसे पहला तो आएगा कॉस्ट इफेक्टिव कि एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपको जो प्लानिंग करके देंगे और एक जो कॉन्ट्रैक्टर करके देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर घर काफ़ी महंगा आता है। सेकेंड आता है वास्तु। हम लोग प्रॉपर वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो भी जो चीज़ जहाँ होना चाहिए था उसके जगह पे रख के करते हैं। इंजीनियरिंग में भी वास्तुशास्त्र मतलब हाँ कंपल्सरी है, तो वही लगता बात है, हो गई कि वो इंजीनियर इंजीनियर ही नहीं जिसको वास्तुशास्त्र नहीं पता हो एक लोग लाइन। प्रेफर करते हैं पर लोग मानते हैं कि इंजीनियर लोग कहाँ ये सब भगवान वगवान की चीजें मानते होंगे ऐसा कुछ। एक्चुअली जो वास्तुशास्त्र है ना सर, वो भगवान से रिलेटेड है ही नहीं, इट्स कम्प्लीटली साइंस। हम लोगों का जो धर्म है वो साइंस बेस्ड पे है। एक एक चीज जो है साइंटिफिक एस्पेक्ट हम बता देंगे आपको कि ये क्यों होना चाहिए। जैसे छोटी सी वास्तुशास्त्र में कुछ कुछ चीजें बताइए और उसका जैसे, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ। अभी आपका माइक दाहिने हाथ में है, ठीक है? अगर ओके मैं आपसे हैंड से करूंगा तो दाहिने हाथ से करूंगा। एक सीढ़ी का कॉन्सेप्ट है कि सीढ़ी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो धार्मिक एस्पेक्ट से ये हो जाता है ना कि जैसे हमारा समय बढ़ रहा है वैसे हमारी उन्नति बढ़े, इसलिए क्लॉकवाइज में करो। बट साइंटिफिक एस्पेक्ट से है कि जब हम लोग बुजुर्ग होते हैं, हम लोगों का दाहिना हाथ हमेशा बाएं हाथ से मजबूत रहेगा। कहीं भी अगर किसी को पैरालिसिस अटैक भी आता है तो उसको लेफ्ट साइड में पहले आएगा, दाहिने में कम आएगा। तो जब हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो दाहिने हाथ में मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जो मेरे बॉडी को ऊपर खींचेगा। तो ये साइंटिफिक एस्पेक्ट है कि क्यों क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसलिए सीढ़ी में कहा जाता है कि रेलिंग आप हमेशा दाहिने हाथ पर लगाइए, सीधे हाथ में रखिए लोग। सीधे हाथ या दाहिने हाथ या क्लॉकवाइज। तो ये हमारा असल एस्पेक्ट है। सेम वैसे होगा कि किचन अग्निकोण पे है। अब अग्निकोण कहाँ है भाई? तो हमारा ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है उसे कहा जाता है अग्निकोण। तो किचन वहीं क्यों रखना चाहिए? तो किचन ऐसी चीज है जहाँ हम लोग का खाना बनता है, हम लोगों का एनर्जी का सोर्स वो किचन है। उसको क्लीन और डिस इन्फेक्टेड रहना है, अदरवाइज अगर वो गड़बड़ है तो हम लोगों का एनर्जी भी गड़बड़ हो पूरा सिस्टम जाएगा, गड़बड़ पूरा रहेगा। सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको सेटअप तैयार किया गया। जनरली खाना कितने बजे बनता है? 10 बजे के पहले सबके घर में बन जाता है। अब 10 बजे पूरब से सूरज निकला, तो जो सूरज की किरणें हैं वो सबसे पहले जो है घर में अगर आ रही है तो वो किचन के थ्रू आ रही है। और उस टाइम हमारे घर की जो महिलाएं हैं या जो भी लोग खाना बना रहे हैं वो एक सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आएंगे, और 10 बजे के पहले का जो सनलाइट होता है वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होता है, फीलिंग काफी हीलिंग करेगा। होता है। लेकिन यही जब सनलाइट 11 बजे के बाद, 11 से 1 बजे के बीच में आता है तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। दोपहर का तो अगर मेरे लिए डेंजरस है तो वो जो जर्म्स है उसके लिए भी डेंजरस है। तो अगर किचन के साउथ में अगर हमारा खिड़की है और वहां से सूरज की रोशनी 11 बजे के बाद आ रही है तो किचन एक वेट एरिया होता है, वहां पे गीला सूखा सब कुछ रहा तो वो काफी तेजी से सूखेगा, डिसइन्फेक्टेड रहेगा। तो और सूरज निकला पूरब से गया पश्चिम में, लेकिन ये नहीं पता है कि जाता कैसे है। वो जाता है साउथ डायरेक्शन से होता होगा। तो जो हमारा इम्पैक्ट आ रहा है जब हम 11-12 बजते बजते वो जो मेरा किचन का जो एरिया है, खाना वाना बन के मम्मी साफ सुथरा करके चली गई, सूरज की रोशनी पड़ी, वो ऑटोमेटिक अपना जो है वो डिसइन्फेक्शन करना शुरू कर लिया। वो उसके जो भी जो है वो ड्राई भी हो गया, बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो कम भी हो गया। तो ये साइंटिफिक एस्पेक्ट है, ये नहीं कि वहाँ अग्नि का जंग जगह है, अग्नि मतलब सूरज हो जाते हैं यहाँ पर। मतलब इंजीनियर वास्तुशास्त्र की बातें कर रहे हो, अभी इतने साइंटिफिक तरीके से पहली बार सुना मैंने। इसके पहले किसी को इतना एक्सप्लेन किया है किसी क्लाइंट क्लाइंट को कभी कभी कोई क्लाइंट आते हैं जो जिद करते हैं, वो ऐसा डिब्यूट करते हैं कि नहीं हमारा जो वास्तुशास्त्र है उसके हिसाब से काम कीजिए।
फिर उनको समझा, हम नहीं मानेंगे ये सब, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं मानेंगे और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। एक पारंपरिक वास्तु भी होता है, हमने इस चीज को एनालाइज किया कि जो दिल्ली में और तमिलनाडु में जो वास्तु चलेगा वो 100% यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक को रखने को लेकर काफी डिफरेंसेस है। सेप्टिक टैंक को जो अलाउ किया जाता है वो नॉर्थ वेस्ट में रखा जाता है जनरली, लेकिन यहाँ पे लोग कहेंगे कि मुझे साउथ वेस्ट में ही चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है। और पारंपरिक चूंकि हमारे दादा परदादा जो वही करते आ रहे हैं वो लोग थोड़ा करना चाहते हैं, तो वो 10% जो है वो प्लस माइनस होता है। तमिलनाडु का जिक्र किया आपने, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि SS कंस्ट्रक्शन के जो सुंडू एंड सिंह कंस्ट्रक्शन के जो ग्रुप के जो आप ऑनर हुए, मालिक कहिए, फाउंडर कहिए, सौरभ जी, पढ़ाई कहाँ से की है, अपना एक्सपीरियंस बताइए ताकि लोग पहले ये समझ पाए कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो कितना जानकार है। ओके, तो प्राइमरी पढ़ाई लालगंज, उसके बाद कुछ साल नवोदय विद्यालय, उसके बाद मैं पंजाब गया, वहाँ से बीटेक किया। फिर उसके बाद मेरा जॉब एक्सपीरियंस अब दिल्ली का है, उस टाइम गोवा, उस टाइम हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह से काम करके ट्रेनिंग लेकर, और लास्ट टाइम मैं दिल्ली में अपना जॉब कर रहा था उसी वक्त मेरे दिमाग में चला कि जब भी मैं छुट्टी में घर आता था तो गाँव के लोग थोड़ा नक्शा वगैरह बनवाते थे। ओके, अच्छा। हाँ, और मैं जब यहाँ पर देखा ठेकेदार लोगों का स्थिति कि भाई यहाँ तो ठेकेदार खुद ही भगवान है, कुछ भी किए जा रहे हैं, कैसे भी किए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पार्ट टाइम में जब आके जो चीज़ कर रहा हूँ उसको फुल टाइम कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज देखी, और जिस हिसाब से लालगंज ग्रो कर रहा है, तो ग्रो का मतलब ही क्या होता है, जब तक कंस्ट्रक्शन का चीज़ नहीं हो रहा है तब तो ग्रो नहीं है। देश सभी भी बिक रही है तो घर तो बनेगा ही। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज द रियल ग्रोथ, मेरा यही मानना है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं बढ़ सकता है, और जब वो बढ़ रहा है, लालगंज जिस हिसाब से विकास कर रहा है, फैक्ट्रीज आ रही है, म्यूजियम आ रहा है, तो मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखा। और ऐसा नहीं कि सीधे, मैं एक साल ऑलमोस्ट एक साल पहले मैंने एनालिसिस किया कि यहाँ कर सकते हैं कि नहीं, फिर जब मैं स्टार्ट किए, स्टार्ट कर बीच में कोरोना भी आ गया था, बिल्कुल। हाँ, कोविड टाइम ही प्लानिंग किया है हम सारी चीज़ों का कि अपना काम कर सकते हैं। और आफ्टर बिकॉज उस समय कंस्ट्रक्शन बंद था इसलिए दिमाग में आ गया, या फिर सोचा हुआ था पहले से? फ्री माइंडेड था कि अपना तो कुछ करना है, कोविड ने मौका दे दिया। इतना था कि किसी प्राइवेट कंपनी में हम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिन तक। उसका एक्सपीरियंस बताइए, मतलब आपने सीधे बता दिया कि हमने यहाँ काम किया, कौन सी कंपनी थी, क्या करते थे, उसमें आपका रोल क्या था? मेरा जो मेन दिल्ली एयरपोर्ट, उसके अंदर मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर था। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट में रनवे से लेकर जो भी मेंटेनेंस का काम है टोटल हमारी कंपनी को मिला हुआ, और उस कंपनी में मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर था। फिर उसके बाद CPWD के एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके अंदर में हमने काम किया, वो भी जानबूझ कर किया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अब अपना काम करना है तो मुझे लोकल कॉन्ट्रैक्टर का माइंडसेट को भरना होगा। और आज मैं खुद भी CPWD का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं क्लास 4 का मेरा अपना लाइसेंस है, और साथ में अपना डिजाइनिंग और आर्किटेक्ट का अपना काम चल रहा है। क्या क्या बना रहे हैं अभी? तो फिलहाल केवल घर बना रहे हैं, घर बसा रहे हैं, मतलब पहले घर बना रहे हैं, बसा तो वो खुद ही रहे हैं। और एक चीज काफी कॉमन है जो हम बोलते हैं क्लाइंट को कि घर बनाना हो या बसाना हो, सोच समझ कर अच्छे से प्लानिंग करके करो, क्योंकि ये जो चीजें दोबारा नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत तकलीफ होता है। चलो, तो घर ये बना रहे हैं, बसाना आपका काम है, बनवा लीजिए पहले, बताइएगा उसके बाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए।